लाइंस एंड एंगल एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज क्लास 9th टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर, ये फिगर आपको यहाँ दिया हुआ है। द साइड QR इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट S। ये जो लाइन दिख रही है आपको प्रोड्यूस की गई है यहाँ पे S तक। इफ द बाइसेक्टर एंगल PQR एंड PRS, PRS यहाँ पे कोई एक यहाँ पे बाइसेक्टर दिख रहा है आपको, एक है QT एंड एक क्या है RT लाइन। दिस आर द बाइसेक्टर लाइंस, ठीक है, टू मीट एट पॉइंट T। ठीक है, ये कौन से पॉइंट में मिल रहे हैं? T पॉइंट में मिल रहे हैं। द प्रूव डेट करना है एंगल QTR, मतलब QTR इक्वल टू 1.5 एंगल QPRK। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है, क्लियर है? गिवन टी क्यू, अब देखिए जब उसने बोला बाइसेक्टर की बात की थी, टी क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। जब बाइसेक्टर की बात की है इसका मतलब कि दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड होंगे ये, तो एंगल पी क्यू टी और टी क्यू आर एक दूसरे के होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, ये किसके एंगल को 1/2 पी क्यू आर के होंगे, इक्वल होंगे किसके, 1/2 एंगल पी क्यू आर के। सेम थिंग आर हियर, सेम द टी आर इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर एस, पी आर एस ये दिख रहा है आपको, ये भी दोनों क्या होंगे इक्वल इक्वल एंगल्स कहलाएंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से, मतलब पी आर टी और टी आर एस इक्वल होंगे, तो क्या कहेंगे 1/2 एंगल पी आर एस कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेंगल की। ट्रेंगल क्या है, पी क्यू आर इज द एक्सटर्नल एंगल्स, पी क्यू आर, हाँ इन ट्रेंगल पी क्यू आर वेयर एंगल पी आर एस इज एक्सटर्नल एंगल्स। ठीक है, सो पी आर एस किसके इक्वल होगा, इसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के, मतलब एक कौन सा एंगल है क्यू पी आर और पी क्यू आर के इक्वल होगा। ठीक है, ये और ये एंगल्स के, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, तो सेम थिंग था, ये ट्रेंगल टी क्यू टी आर एस की बात करते हैं अपन। ट्रेंगल कौन सा, टी क्यू आर है, जिसमें पी आर एस इज एक्सटर्नल एंगल्स वेयर टी आर एस इक्वल टू किसके होगा, ये एंगल टी क्यू आर और क्यू टी आर के इक्वल होगा। द एक्सटर्नल एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब देखिए जब हमें अभी दोनों पॉइंट मिल गए, मतलब टी आर एस इक्वल 1/2 एंगल पी आर एस एंड टी एंगल टी क्यू आर इक्वल 1/2 पी क्यू आर, तो 1/2 पी एंगल पी आर एस इक्वल टू होगा 1/2 एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर होगा, मतलब 1/2, मतलब ये एंगल पी आर एस है, ये पी आर एस इसके इक्वल हो जाएगा 1/2 इसके, 1/2 पी क्यू आर प्लस प्लस क्यू टी आर, मतलब क्यू टी आर के इक्वल होगा। ठीक है, अब एंगल, अब देखो ये यहाँ दिख रहा है, तो ये कैसे पुटिंग दिस पी आर एस वैल्यूज, पी एंगल क्यू आर क्यू पी आर और पी क्यू आर फ्रॉम 1। अब देखो 1/2 एंगल क्यू पी आर, अब देखो ये जो वैल्यूज थी, ये जो आंसर है इसके अंदर किसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये किसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, 1 पे पुट कर देंगे। ठीक है, ये जो एंगल यहाँ पुट की जाएगी, तो इसका होगा 1/2 क्यू पी आर और पी क्यू आर, दिस आर बोथ आर एंगल एंड 1/2 एंगल क्यू और पी क्यू आर और प्लस एंगल क्यू टी आर। ठीक है, तो देखो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कौन सी दो चीज़ एंगल कैंसिल होगी, मतलब ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 1/2 एंगल क्यू पी आर इक्वल टू होगा एंगल क्यू टी आर, क्लियर है? तो हमको ये तो प्रूव करना था। ठीक है, 1/2 एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल क्यू टी आर, ये तो फाइंड आउट करना था हमें, दिस इज कॉल्ड हैंड्स प्रूफ, यही तो हमें हैंड्स प्रूव करना है। ये देखिए है ना, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो हमें इंप्रूव करना है वो हमने प्रूव किया है, तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, बट इसे आप समझेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।